हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ आमिर। मैं फोटोग्राफ शॉप CS3 के लेसन नंबर 9 के साथ हाजिर हूँ। पिछले 8 वीडियो में मैंने आप लोगों को फोटोशॉप के टूल के बारे में बताया था। आज इस वीडियो में मैं आपको बैकग्राउंड चेंज करने का तरीकाकार बताऊंगा। इतना आसान तरीकाकार है। पहले हम फोटोशॉप को ओपन कर लेंगे। ओपन हो रहा है, ये ओपन हो गया है। अब हम यहाँ पे फाइल पे क्लिक करेंगे, ओपन, और यहाँ से एक फोटो लेंगे। इधर कौन सा लें यार, कुछ समझ नहीं आ रही। डेस्कटॉप पड़े हैं वो देखते हैं। इनमें से एक उठा लेते हैं, ये वाला फोटो ले लेते हैं, ओपन करते हैं। जूम टूल को इस्तेमाल करके इसे जूम कर लेंगे। अब हम यहाँ से क्विक सिलेक्शन टूल इस्तेमाल करेंगे, ये नहीं, पॉलीगन लॉसो टूल इस्तेमाल करेंगे। पॉलीगन लॉसो टूल को इस्तेमाल करेंगे, यहाँ से सिलेक्शन शुरू करेंगे। एक दफ़ा क्लिक किया और छोड़ दिए, आगे आके एक दफ़ा क्लिक किया छोड़ दिए। यहाँ पे भी इसी तरह, ये ख्याल रखना है कि सिलेक्शन अंदर की तरफ से हो। फिर छोड़ के ये इस तरफ से यहाँ पे ले जाए, और यहाँ पे एक क्लिक करेंगे और छोड़ देंगे। ये इसी तरह से सिलेक्शन करते करते आगे चले जाएंगे। मेरी आज थोड़ी सी तबीयत ख़राब है, मैंने कहा चलो यार वीडियो बना दें, काफ़ी दिन हुई है वीडियो नहीं बनाई। इसी तरह से सिलेक्शन करते करते हमने तकरीबन सिलेक्शन कर लिया है। ये फोटो का बैकग्राउंड चेंज करना और इसी तरह के काम करने के इंतहाई आसान आसान से तरीक़ाकार हैं। अगर आप थोड़ा सा इस पे ध्यान दे के काम करेंगे तो आप एक प्रोफेशनल इंसान बन सकते हैं। मैं भी कोई ख़ास
काम नहीं जानता, बस जो भी थोड़ा बहुत जानता हूँ वो आप लोग को बता रहा हूँ। कुछ इंसान तो ये अपने जहन में रखता है कि हमें जो टैलेंट है वो हम किसी को बताएं ना बताएं, लेकिन मैं तो इस चीज़ के इंतहाई खिलाफ हूँ। अगर आपको कोई चीज़ आती है तो प्लीज़ मुझे सिखाएं, मैं तो यहाँ सीखने के लिए बैठा हूँ। यहाँ पे क्लिक करके एंटर प्रेस कर देंगे, ये अब हमारी सिलेक्शन हो गया। जूम आउट करेंगे, जूम की शॉर्ट की है जेड, जेड को प्रेस करेंगे और फिट ऑन स्क्रीन कर देंगे। ये हमारी सब सिलेक्शन हो गई है। यहाँ से हम करेंगे कंट्रोल सी और एक न्यू लेयर बना लेंगे। यहाँ से न्यू पे क्लिक करेंगे और इंटर प्रेस कर देंगे। यहाँ पे कंट्रोल वी, ये आप लोगों ने देखा है कि हमारा फोटो कट हो के आ गया है। अब हम एक और लेयर ओपन करते हैं, फाइल फाइल पे क्लिक किया, ओपन पे क्लिक किया और यहाँ से डेस्कटॉप जाएंगे। यहाँ पे बैकग्राउंड को सिलेक्ट कर लेते हैं, एक अच्छा सा ये बैकग्राउंड पड़े हैं, इनमें से कौन सा उठाएं। यहाँ पे कंट्रोल वी कर देंगे और ये आ गया, जूम हो गया है। इसे जूम आउट करेंगे ये और ये, ज़्यादा जूम हो रहा है ये। फिट ऑन स्क्रीन पर क्लिक कर देते हैं, ये मूव टूल को इस्तेमाल करके यहाँ पे अकाउंट छोड़ देंगे। ये तकरीबन अच्छा लग रहा है। अब हम यहाँ से क्रॉप को इस्तेमाल करते हुए ये इससे बड़ा कर लेंगे इस तरह से। ये एरिया हमने क्रॉप कर लेना है, ये इंटर प्रेस करेंगे, ये क्रॉप होके आ गया है। लेकिन इसलिए को सिलेक्ट कर डू नॉट क्रॉप, ये लॉक लगी हुई, ऐसे ख़त्म करना होगा। लॉक क्लिक करेंगे, ओके कर देंगे, ये लॉक हट गया है। अब हम इसे यहाँ से मूव कर सकते हैं, ये यहाँ पे करके फिर से क्रॉप टूल इस्तेमाल करेंगे। ये जो एरिया फालतू हो गया ऐसे ख़त्म करेंगे, ये और इंटर प्रेस कर देंगे। ये अब हमारा कितना अच्छा बैकग्राउंड बन गया है, लेकिन अभी भी मैं इसमें एक कमी रह गई है कि ये जूम करके मैं तुम लोगों को दिखाता हूँ। ये आपको कॉर्नर कुछ अजीब से दिखाई दे रहे होंगे, ये अच्छे नहीं लग रहे, इससे हमारे फोटो का पता नहीं चलता और ये बुरा भी लगता है। तो यहाँ से हम ब्लर टूल इस्तेमाल करेंगे, इसकी ओपेसिटी को कर लेंगे 60 100 भी रख सकते हैं, इसका साइज छोटा कर लेंगे। ये बैक स्पेस के जो नीचे ब्रैकेट्स हैं इनकी मदद से और इस तरह से ब्लर करते जाएंगे। ये आप लोग को दिखाई दे रहा होगा कि ब्लर हो रहा है ये। थोड़ा थोड़ा करके सब कॉर्नर को ब्लर कर देना है। ये ब्लर हो रहा है, ये काम इंतहाई बारीकी से करना होता है ताकि हमारे फोटो का पता चले कि ये किसी प्रोफेशनल आदमी ने बनाया है। ये ऐसे से
बैकग्राउंड सब जगह को ब्लर कर देना है, इसको हम थोड़ा सा इधर कर लेंगे, ये काम जूम करके करना है ताकि इसकी लुक अच्छी लगे। जो काम हम जूम करके करते हैं उसका इफेक्ट दूसरे काम से अच्छा होता है। ये अब हमारी थोड़ी सी जगह बुरी लग रही है, तो इसे हम रेज़र टूल की मदद से ब्रैकेट की मदद से छोटा कर लेंगे। ये थोड़ा सा ज़्यादा लग चला गया है। कंट्रोल ऑल्ट टेन, ये ठीक है। ये मेरे ख्याल में अब ठीक है। अब फिर से ब्लोअर टूल को लेंगे और इसी तरह से इस जगह को ब्लोअर करते जाएंगे। ये नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे, ये इस जगह को भी इसी तरह से ब्लोर करते जाएंगे। ये ब्लोर हो रहा है, आप लोगों ने देखा होगा कि हमारा बैकग्राउंड कितना अच्छा चेंज हुआ रहा है। अब ये ब्लोर हो गया है, फिर से जूम टूल को इस्तेमाल करेंगे और फिट ऑन स्क्रीन कर देंगे। ये आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा कि जो काम हम जूम से करते हैं उसका इतना महसूस नहीं होता। अब हमने ब्लोर कर दिया जूम, अगर हम यहाँ से ही करते तो वो फटाफट हो तो जाता लेकिन बुरा लगता, इसलिए हमने जूम करके किया। थोड़ा सा वक्त ज़्यादा लगा लेकिन हमारी पिक खूबसूरत बन गई है। अगर हम इसे मज़ीद जूम आउट करें तो ये और खूबसूरत लग रही होगी। ये जो चीज़ भी जूम करके देखी जा सकती है उसकी खूबसूरती और इसमें बहुत सा फ़र्क होता है। ये इसे मैं थोड़ा सा ऊपर ले जाऊँगा, मैंने यहाँ से फिट किया है, मैं इसे यहाँ आके देखता हूँ तो ये ठीक और इसको बैकग्राउंड सेव करने के बाद इस जगह पे क्लिक करके सेव एस पे क्लिक करना है, और जिस जगह पे सेव करना है वो जगह सेलेक्ट करके इसका यहाँ पे नाम ऐड कर लेना है और इसे फाइल JPG कर लेनी है और इसे सेव पे क्लिक कर देना है। ये आपसे पूछ रहा है कि आपने कितने साइज की रखनी है, इसकी क्वालिटी कैसे रखनी है, तो आप इसे मैक्सिमम पे रहने दें और ओके कर दें। ये आपका फोटो सेव हो जाएगा। अगर मेरी ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।